सबसे ज्यादा इज्जत किसकी करनी चाहिए? संविधान की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो उस संविधान के अनुसार हमको चलना है। तो एक नए भारत का उदय हो रहा है, उस उदय में आप भी योगदान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अनुशासन, और वो चाहे घर का अनुशासन हो, चाहे विद्यालय का अनुशासन हो, और चाहे वो सड़क का अनुशासन हो। रोड में हम चलते हैं तो रोड की भी एक भाषा होती है, कम्युनिकेशन होता है। अगर आप उस भाषा को समझ नहीं पाए तो आपका एक्सीडेंट होता है। कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट बिना लापरवाही के नहीं होती है। अभी मैं अभी आपके शहडोल से जब चल रहा था तो रास्ते में बहुत से मवेशी जो हैं, अब चूंकि गांव का क्षेत्र है तो मवेशी तो रहेंगे, और मवेशी रहेंगे तो रोड के इस पार से उस पार भी जाएंगे कि आपसे पूछ के जाएंगे कि कोई अलार्म फिट करेंगे आपके पास? नहीं करेंगे ना। तो अगर आप बहुत तेजी से गाड़ी चलाते चलाते आओगे तो ऐसा लगेगा कि अचानक गाय आ गई, अचानक भैंस आ गई सामने, अचानक कुत्ता आ गया सामने। तो कोई प्रकट हो जाता है क्या कि जमीन से ऐसे प्रकट हो गया अचानक? होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये समझ लीजिए आपकी, अगर आप, आपकी यहाँ पर गलती क्या थी कि आप बहुत तेजी से आ रहे थे तो आपने उनको उस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाए कि वो क्रॉस कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा है, गाय रोड को क्रॉस कर रही है ना। तो कई हमारे मवेशी मिलते गए, तो हमारे केशव भाई थे तो रुकते गए बकायदा। तो जब आप स्पीड कम रखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला मैंने बताया ओवर स्पीडिंग, हमारे जो देश में सबसे ज्यादा जान जाती है बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से होती है, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। और एक्सीडेंट ना तो गरीब देखता, ना अमीर देखता, ना गांव वाला देखता, ना शहर देखता, वो तो केवल लापरवाही देखता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये स्लोगन वगैरह ये 30-32 साल से आप सुनते आ रहे हैं, तो फिर भी इतना ज्यादा सुधार क्यों नहीं हुआ है? कमी किस में रह गई है? हम में, सभी में, न केवल मुझ में, न केवल आप में, बल्कि सभी में कमी रह गई है। और वो कमी इसलिए रह गई है कि हम जो है इस बात को मानते हैं कि जो घटना घटनी है वो घटेगी। भैया आप कुछ भी लगा लो, जिसकी मौत है वो तो हेलमेट लगाओ तो भी मरेगा। ये जो सोच है हमारी ना, इस सोच को आप बाहर निकाल के फेंक दो। विदेशों में क्या होता है, अगर स्टॉप साइन है, अमेरिका में आप देख लीजिएगा, कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो अमेरिका में अगर स्टॉप है, स्टॉप लिखा हुआ है, तो वहां पर फोर व्हीलर जाके रुक जाएगी, चाहे एक भी ट्रैफिक ना हो वहां पर जाके रुक जाएगी। तो हमें अनुशासन, जैसे आपके विद्यालय में अनुशासन है, मैं बड़े बेहतरीन अनुशासन में देख रहा हूँ। एक अपने यहाँ सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी वो मशक्कत रहती है, तो प्राइवेट स्कूल कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं कंपैरिजन में गवर्नमेंट स्कूल के। लेकिन मैंने यहाँ अनुभव किया कि बहुत बेहतर अनुशासन है। तो इस अनुशासन को आपको सड़क पर भी बनाना है, ठीक है, इस अनुशासन को आपको सड़क पर बनाना चलना है और घर पर बनाना है। आप कभी मंदिर जाते हो तो शूज पहन के अंदर चले जाते हो कि कौन बताता है ये चीज आपको? पंडित जी बताते हैं, और कौन बताता है? माता पिता बताते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि संस्कारों में आ गया, किसमें आ गया ये संस्कार? तो जिस दिन आप यातायात के नियमों को संस्कारों के रूप में लेना शुरू करेंगे उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और एक बात बताऊं आपको बच्चों, जिसके घर का चिराग बुझ जाता है एक्सीडेंट में, जिसके घर में कोई जख्मी हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उनकी पीड़ा पूछिएगा कि घर से एकदम भला चंगा गया है ना, टोपी चश्मा बकायदा लगा के गाड़ी उठाया और हीरो बन के जा रहा है, बाद में उसके पार्ट्स में छोटे छोटे टुकड़े में उसका शरीर उनको मिल रहा है, तो कितना दुखद है। सोचो आप, सोच के जो है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है कि दुखद की नहीं है? और हमारी समस्या ये है कि हम जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती तो अपन समझते नहीं। पेपर पढ़े, फलाने जगह हो गई, ये दुर्घटना घट गई और ये इतने लोग घायल हो गए, उनसे पूछिए जिनके घर में कोई दुर्घटना हुई है, और अक्सर लोगों के घर में हो चुकी रहती है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो ये एक्सीडेंट ना हो, किसी भी महामारी से, जो अभी कोरोना वैश्विक महामारी आई उससे भी ज्यादा बढ़कर ये महामारी है दुर्घटना, सड़क दुर्घटना। और भगवान बिल्कुल नहीं चाहते, हमारे ऊपर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते, हमारा जो गॉड है, खुदा है, जो आप भी कहें, जिस नाम से आप पुकारे, ईश्वर एक है, आप जिस नाम से पुकारें, वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे, उनकी संतान
छोटे छोटे टुकड़े में रोड पे सड़क पे ऐसे बिखरे पड़े हो, चाहते हैं क्या? नहीं। तो हम ये क्यों कहते हैं कि जो होना रहता है वो हो जाता है? तो ये मेंटेलिटी आपको अपने घर पे दूर करना है। अगर मम्मी पापा कहते हैं, पक्का बोलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, अगर आप बोलोगे पापा हेलमेट, अगर आप 70-75 हज़ार के ऊपर की सभी गाड़ियां हैं मोटरसाइकिल आज की डेट पे, अगर आप 1 लाख की गाड़ी चढ़ सकते हो तो 1 हज़ार का हेलमेट खरीद सकते हो और उसको लगा सकते हो, और पीछे जो बैठे हैं ना उनके लिए भी लगाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक्सीडेंट होगा तो जो पीछे बैठा हुआ है उसका बचाव कैसे होगा? तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, केवल पुलिस से बचने के लिए नहीं, ट्रैफिक रूल्स अपनी सेफ्टी के लिए पालन करना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, एग्जाम वगैरह भी आपके शुरू हो जाएंगे अब फरवरी से, तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए और बेहतर इंसान बनिए। कहते हैं ना गाना है ना, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो वो अपने दिमाग में रखिए और एक अच्छा हिंदुस्तान, एक हमारा जो नया भारत है उसका उदय हो। सभी को जय हिंद जय भारत। कुछ संकेत पे है मैं फोकस करता हूँ। संकेत ट्रैफिक के आप लोग जानते हो, जैसे कभी भी ट्रैफिक को रोकना है, पीछे से ट्रैफिक को रोकने के लिए ये संकेत होते हैं, ये वाला, ये कर दिया मतलब कि पीछे से आने वाली ट्रैफिक रुक जाए। तालियां नहीं बच्चों, केवल आप ध्यान दो, है ना, कि हमको प्रोत्साहित मत कीजिए, आप प्रोत्साहित हैं हम। ये जो है ये हाथ दिखाया, मतलब लेफ्ट हैंड हम ऐसे करके खड़े हुए हैं पीछे से आने वाले ट्रैफिक को रोकने के लिए, ये संकेत होता है। जहां कहीं ट्रैफिक लाइट नहीं रहता, ट्रैफिक लाइट बच्चों कौन कौन से होते हैं? लाल बत्ती, किस लिए होती है लाल बत्ती? रोकने के लिए। फिर क्या कौन सी बत्ती होती है? पीली, ऑरेंज, कितने कोई है ऑरेंज बोलने वाले? पीली बत्ती बोल रहे हो, वो अंबर लाइट है, ठीक है, और तीसरी बत्ती है हरी बत्ती। तो अंबर लाइट का उपयोग क्या होता है? तैयार होने के लिए। एक आपने कहा तैयार होने के लिए, उसका आप परफेक्टली, आपको डाउट है सबके माइंड में, तो पहले वो बता देते हैं आपको। जो अंबर लाइट होती है, पीली बत्ती एक्चुअली वो अंबर लाइट है, तो अंबर लाइट जो होती है वो होती है रुकने के लिए। अगर जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग होता है पैदल क्रॉस करने के लिए रोड को, सिग्नल के चौराहे तिराहे में जब कभी भी आप जेब्रा क्रॉसिंग से पहले हो, मतलब एक स्टॉप लाइन होती है, एक सिंगल पट्टी रहती है, जेब्रा क्रॉसिंग बनी रहती है सफेद और काली पट्टी टाइप की, और उसके पहले एक सिंगल पट्टी रहती है, उसको स्टॉप लाइन कहते हैं, ठीक है बच्चों। स्टॉप लाइन के पहले अगर आपकी गाड़ी है और आपने देख लिया कि अंबर लाइट जल रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस पीली लाइट में आपको रुक जाना है, ठीक है। अगर ग्रीन लाइट जल रही है, हरी बत्ती जल रही है, उसका आखिरी सेकेंड भी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर पीली बत्ती आपको दिख गई जेब्रा क्रॉसिंग के पहले तो आपको रुक जाना है। तो एक एक इसका मीनिंग हो गया रुकना, देखकर रुक जाना, अलर्ट हो जाना, और एक मीनिंग हो गया कि अगर आप बीच में फंसे हुए हो तो अपने हिसाब से चलिए, मतलब कि निकल जाना है। पीली बत्ती अगर बीच में हो, पीली बत्ती हो चुकी है और आप बीच में फंसे हो, तो बीच के ट्रैफिक को निकालने के लिए वो बत्ती जलती है, वो 3 सेकंड 5 सेकंड जितना बड़ा चौराहा तिराहा रहता है उसके हिसाब से वो लगाई जाती है। तो कभी भी बड़े शहर में आप जाएंगे तो घबराना नहीं है, अगर आप ग्रीन के लास्ट सेकेंड में भी अगर आप चले तो बीच में फंसे तो आपका वहां पर ट्रैफिक का कोई चालान नहीं कटेगा, आपको वो निकलने के लिए ही पीली बत्ती जल रही है, ठीक है। तो ये पीली बत्ती हो गई। हरी बत्ती आप सभी जानते हैं कि जाने के लिए, तो पीली बत्ती के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है अपने हिसाब से चलिए। रात के वक्त जब सिग्नल लाइट बंद हो जाती है तो केवल ब्लिंकर जलता है, पीली बत्ती जलती है बंद होती है, देखे हो कभी, या किसी डिवाइडर के बीच में जो कट पॉइंट्स होते हैं एक तरफ के ट्रैफिक को दूसरी तरफ के ट्रैफिक में जाने के लिए, वहां भी ब्लिंकर लाइट जलती रहती है, पीली बत्ती जलती है बंद होती है, जलती बंद होती है, इसको ब्लिंकर कहते हैं। वो अगर जले तो मतलब है कि अपने हिसाब से चलना है, पहले आप वाली तरीका अपनाना है। पहले आप मतलब क्या होता है? लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी छूट गई थी, पहले आप बैठ जाइए, इतने पे गाड़ी चली गई। तो यही होता है कि आपको मौका देना है। अगर ये सिद्धांत सभी कोई बना दे कि नहीं भाई साहब आप निकल जाओ फिर हम चलेंगे, तो समस्या खत्म हो जाए। इतनी भागदौड़ी मची रहती है जहां सिग्नल वगैरह, जहां ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी रहती है, तो लगता है कि एक के ऊपर चढ़ा देंगे,
ठीक है। और एक बात और बता दूं, कभी गाड़ियों की टक्कर हो तो हो जाए, लेकिन इंसानों की टक्कर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट कोई जानबूझकर नहीं होता है। तो कभी आप देखते हो, आप अपने पापा के साथ जा रहे हो, मम्मी के साथ जा रहे हो, कहीं कोई गाड़ी से किसी गाड़ी से हिट हो गई, ठोकर लग गई, तो उस पर खरोच आ गई, तो उसी पे बहस गाली गलौज शुरू हो जाती है ना, है ना। तो ये भी अपन को नहीं करना है। तो एक अनुशासित जीवन के लिए ये सब बहुत जरूरी है। ट्रैफिक रूल्स जो बेसिक हैं, वो तीन सवारी नहीं चलना चाहिए, आजकल ये ट्रेंड में है, खूब चलता है ना। पता चला एक बंदा यहाँ से चला और 20 किलोमीटर तक उसकी बात हो रही है, तो 20 किलोमीटर तक वो ऐसे ही चल रहा है और ऐसे जाके आगे ठोक दिए गाड़ी। होता है ऐसे, आप ये ओवर कॉन्फिडेंस में करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आप ये गलती करते हो कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, गाड़ी के साथ साथ मोबाइल भी चला सकता हूँ। आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते हो बच्चों, कोई भी नहीं कर सकता, दो काम एक साथ नहीं किया जा सकता है। या तो आप गाड़ी ही चला लीजिए पूरे कंसंट्रेशन से, या तो आप क्या कीजिए, मोबाइल में बात कर लीजिए। तो कभी भी मोबाइल पे फोन आ जाए, आपको लगे वाइब्रेशन में रखे रहिए, गाड़ी चलाते समय समझ में आए कि फोन आ गया है, तो गाड़ी किनारे कर लीजिए रोड सड़क के, और उसके बाद उठाइए, बात कीजिए, फिर से अपने जेब पे रखिए, फिर चलिए। तो पहला, तीन सवारी नहीं चलना है हमको। तीन सवारी क्यों नहीं चलना है? क्योंकि पुलिस ने कह दिया, इसलिए क्योंकि आपकी गाड़ी की कैपेसिटी ही नहीं है। आप तीन सवारी बैठाए रहोगे, गियर सही समय पे नहीं लगा पाओगे, सही समय पे आप क्लच नहीं दबा पाओगे, सही समय बैलेंस उसका पूरा बिगड़ जाता है, अनबैलेंस होती है ना गाड़ी। अचानक कोई ट्रक आ जाए तो आप तो पता चला घबरा के उसी के तीनों लोग चपेट में आ जाओ। तो तीन सवारी नहीं चलना है, ठीक है। बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाना, और फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट क्यों लगाया जाता है? अभी इसमें 9th 10th के कुछ बच्चे होंगे, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कोई बता सकता है क्या? जड़त्व का नियम कोई बताएगा? 9th के हैं, इस 9th में है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, बहुत सरल नियम है। घबराते बहुत हो, चलो मैं बताता हूँ। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, और जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, देखो सब बनता है, हम बताए ना घबरा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जड़त्व का नियम लागू होता है, तो जो ये बॉडी का अगला हिस्सा जो है वो गतिमान रहता है, अचानक एक्सीडेंट हुआ कार में तो ये हमारा अगला हिस्सा सीधे शीशे में टकरा जाएगा, और सीट बेल्ट लगी रहेगी तो ये हमको आगे नहीं जाने देगा। तो सीट बेल्ट जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो इसलिए ये बेसिक रूल्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। संकेतों की चर्चा आप फिर से कर लेता हूं। तो जो रोड में जो ह्यूमन के संकेत पहले हम लोग के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ही चलाया जाता था, अब तो सिग्नल लाइट जल गए हैं, तो जहां नहीं है, जहां ट्रैफिक पुलिस आपको ऐसा करके रोकी, मतलब कि पीछे से आने वाले ट्रैफिक के लिए है, ऐसा करके रोक रही, मतलब सामने, ये तो सीधा सीधा समझ में आता है कि सामने से आने वाले ट्रैफिक को रोकने के लिए ये नियम है। फिर पीछे से और सामने से दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोकने के लिए यातायात का संकेत क्रमांक 3 बनता है, तो टोटल जो है यातायात के संकेत 10 हैं, तो ये तीसरा हो गया। चौथे में क्या करते हैं कि ये पीछे से आने वाले ट्रैफिक को, सामने से आने वाले ट्रैफिक को रोकने के लिए भी होता है, और बाएं से ट्रैफिक को रोकना है, तो ये पोजीशन बनती है। मेरे को देखते रहिएगा आप, ये संकेत क्रमांक 1, ये संकेत क्रमांक 2, और ये संकेत क्रमांक 3, मतलब 1 और 2 मिलकर संकेत क्रमांक 3 बनते हैं, और उसके बाद जब इस तरफ के ट्रैफिक को रोकना है तो ये संकेत क्रमांक 4 बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये संकेत क्रमांक 5 करना है तो इस ट्रैफिक को जाने देना है, मतलब अभी इसको नहीं रोकना है, तो ये सिंपल ये रहेगा और इसको रोकना है। अब इस दशा में इसको निकालना भी तो है, तो फिर ये ट्रैफिक को निकाला जाता है, ठीक है। और फिर जब इस यही पोजीशन सेम इसमें करना है, अगर इसके ट्रैफिक को निकालना है तो ये 6 संकेत ये हो गए। एक संकेत होता है जब भारी वाहन निकलते हैं आपके तिराहे से चौराहे से, जो कि घूम के नहीं जा पा रहे, ये जैसे चौराहे पे ये इस टाइप की बना रहता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? रोटरी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जो किसी भी तिराहे चौराहे पे गोल घेरा बना रहता है उसको रोटरी कहते हैं। तो हमें कभी भी अगर राइट टर्न करना है, दाहिने मुड़ना है, तो हमेशा रोटरी से अपनी गाड़ी को घुमा के चलना चाहिए, ठीक है, हमेशा।
समझ गया मेरी बात को? अगर ट्रैफिक सिग्नल जल रहा है तो ट्रैफिक सिग्नल जब जलता है तो अगर ग्रीन सिग्नल में आप कहीं से भी मुड़ सकते हो, क्योंकि तीन अगर चौराहा है तो तीन तरफ का ट्रैफिक रुका रहेगा, तिराहा है तो दो तरफ का ट्रैफिक रुका रहेगा, एक तरह का चलेगा, तो चाहे इधर से मुड़ो चाहे उधर से मुड़ो, लेकिन कब कब करना है? जब सिग्नल चलता हो तब। और सिग्नल बंद हो, ट्रैफिक लाइट बंद हो, तो आपको हमेशा रोटरी को घूम के ही राइट टर्न करना है, ठीक है? यातायात संकेत में एक कभी कभी आप देखते हो कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है, वीआईपी मूवमेंट्स होता है, तो पूरी पूरा का पूरा रास्ता ही खाली कर दिया जाता है, होता है ना? जब पूछते हैं तो बोले वीआईपी ड्यूटी, वीआईपी साहब आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनके लिए उनके टाइम पे कोई भी वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट्स हो उस टाइम पे कौन कौन सी गाड़ी निकाली जा सकती है? केवल एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड। अच्छा आप लोग बताइए कि ट्रैफिक पुलिस वाला मैं हूं और ड्यूटी पे लगा हूं, और एक तरफ से ट्रैफिक जाम है और एक तरफ से आगे इस तरफ से ट्रैफिक जाम है, और एक तरफ से आ रही है कौन सी गाड़ी? एम्बुलेंस, और एक तरफ से आ रही है फायर ब्रिगेड, तो मुझे किसको पहले जाने देना चाहिए? फायर ब्रिगेड को जाने देंगे ना? हो सकता है पूरे गांव में आग लगी हो तो एम्बुलेंस में तो एक दो ही लोग रहे हो सकते हैं, तो ये प्राथमिकता देना पड़ता है। तो ये तो खैर हमारे लिए ये शिक्षा है, और आप लोग भी जान लीजिए कि कभी भी अगर सायरन बजा रही है, आप ग्रुप में चलते हो अक्सर, यहाँ से छुट्टी होगी ना तो चार चार, खासकर लड़कियों में तो बहुत ज्यादा है ये समस्या, चार चार लड़कियां, पांच पांच लड़कियां ग्रुप बना के चलती हैं। लड़कों में क्या समस्या है कि दो दोस्त हो गए ना तो वो कंधे में हाथ ऐसे रख के चलते हैं, हाँ यार और बताए बस, उस इनकी कहानी शुरू हो गई तो 5 किलोमीटर का सफर इनका कट जाता है। और इनमें क्या है, ये भी ग्रुप में चलना बंद कर दो आप लोग बच्चों, कोई दूसरी गाड़ी वाले चल रहे हैं जो पीछे आपको वो हॉर्न भी दे रहे हैं तो भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार देखा हूँ, केवल आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हर जगह की समस्या है। तो ग्रुप में चलना आप बंद कर दीजिए और साइकिल से चलिए, आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी चला सकते हैं 17-18 साल की एज में, वो भी स्पीड लिमिट हो तो। कुछ बातें समझ में आ गई आपको? बोर तो नहीं हो रहे हो? तो यही हम कब चला सकते हैं? 17-18 साल की एज में इलेक्ट्रिक स्कूटी विद स्पीड लिमिट, जिसकी स्पीड कम है और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। स्कूल लाइफ में केवल एक ही गाड़ी चला सकते हो आप, वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटी। लोग बाइक लेके घूम रहे हैं 11वीं 12वीं के लड़के, सर मैं चलाता हूँ सर, कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ता मुझको। ले पुलिस वाला पकड़े, आपको पता नहीं है कि अगर आपने एक एक्सीडेंट कर दिया और उस एक्सीडेंट में किसी की जान चली गई तो आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई, पूरा करियर, पूरा जीवन खत्म। एक एफआईआर हो जाएगी, एक पुलिस केस आप पर बन जाएगा, तो पूरे जीवन आपको अच्छी ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी और पूरी तबाह लाइफ। और जिसके नाम पर गाड़ी है उसको तो बर्बाद कर ही जाओगे, वो तो क्लेम लगेगा, जब सामने वाले की परिवार क्लेम बीमा क्लेम करता है तो उस स्थिति में आपका घर द्वार सब बिक जाएगा, जमीन जायदाद सब बिक जाएगी। उसका कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है, बीमा का क्लेम का कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होता है बच्चों। तो ये पुलिस से कि पुलिस नहीं पकड़ी कोई दिक्कत नहीं, पुलिस की पूरी पूरी चेकिंग कर लगाने का प्रोसेस तब पता चलता है जब किसी का एक्सीडेंट होता है और उसको कुछ बीमा क्लेम चाहिए। मान के चलिए मेरी गाड़ी पर बीमा है ही नहीं, अब मेरी गाड़ी पे बीमा नहीं है तो मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया, मुझे कुछ एक रुपया नहीं मिला, मैं परेशान हूँ, मेरी गाड़ी भी नहीं मिल रही। पुलिस के पास बहुत व्यस्तता रहती है, कई अपराध पंजीबद्ध होते हैं, सब अपराधियों की विवेचना सभी के उसमें उलझी रहती है पुलिस। सही समय पे आपकी गाड़ी नहीं मिल पाएगी तो एक दो महीना आप रोते ही रहोगे, और अगर गाड़ी का बीमा है, गाड़ी के पूरे कागज हैं, तो आप क्या करोगे, बीमा क्लेम करोगे। तो अगर 70,000 की गाड़ी है तो 50,000 तक तो पक्का है कि आपको मिल जाएगा। तो जो आंसू पोंछने का काम करती है बीमा कंपनी, वो तभी संभव होगा कि आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और गाड़ी का बीमा होना चाहिए। तो गाड़ी के कागज पूरा चेक क्यों करती है पुलिस? एक पुलिस ही ऐसी एजेंसी है जो दिन भर आपकी सेफ्टी का ख्याल रख रही है, कैसे चलना यह भी बता रही है। पर क्या होता है कि जब माता पिता ज्यादा चिल्लाते हैं ना तो माता पिता के ऊपर भी गुस्सा आती है आदमी को, अरे यार दिन भर वही, दिन को तो देखो दिन भर शेरनी जैसे हमारे ऊपर चढ़ी रहती है मम्मी,
तो वही वही धारणा आप पुलिस के लिए भी बनाते हो, तो पुलिस आपको परेशान करने के लिए नहीं रोकती है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर कभी आएंगे। आपका विद्यालय के आपके प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि मुझे जो है इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अनुमति दी। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।